आज हम लोगों का मूल मुकदमा, जो सारे मुकदमे क्लब हो गए थे, रागी सिंह वगैरह जो 18-22 है, जिसको लीडिंग केस मार उसमें सुनवाई होना है, जिसमें SI सर्वे भी विगत वर्ष में हो चुका है और सारी रिपोर्टें भी कोर्ट में आ गई हैं। क्योंकि जिला जज साहब रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद नए जिला जज साहब महोदय आए हुए हैं, उसके बाद सिविल कोर्ट भी जून भर बंद था, अब ये जो है कम्प्लीटली सुनवाई अब प्रारंभ हो चुकी है और जिला कोर्ट अब सुनवाई के लिए सारी चीज़ों को, सारे फाइलों का अवलोकन कर चुका है और तमाम फाइलें पड़ी हुई थी, एप्लीकेशन पड़े हुए थे, उन एप्लीकेशनों में एक एप्लीकेशन 610 की तरफ से किरण सिंह की तरफ से था कि जो हमारे फाइल को पुनः जो है ट्रायल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में इसको रिटर्न कर दिया जाए। ये जो सारे मुकदमे क्लब हुए हैं तो इन पर चूँकि सुनवाई हो चुकी है, जिला कोर्ट आदेश दे चुका है, लेकिन पुनः उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है कि इसको जो है वापस कर दिया जाए, तो इस पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए रिजर्व कर लिया है और 3 अगस्त को इस पर पुनः जो है आर्डर उनका आ जाएगा। उसके बाद तमाम एप्लीकेशन हम लोगों का भी पड़ा है तहखाने के संदर्भ में, तहखाने जो जर्जर हो गए हैं, जिसमें पूजा पाठ का, ब्यास जी का तहखाना, जहाँ आदेश भी आ चुका है, उन तहखानों में लोग छतों पर चहलकदमी मुस्लिम समाज करता है, नमाजी करते हैं, वो कमज़ोर छत है, कहीं ढह न जाए, कोई नुकसान न हो, दुर्घटना न हो, इसलिए इसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पे सुनवाई 3 को होगी। हाँ, तो और भी तमाम पड़े हुए एप्लीकेशन और सर्वे के लिए तमाम लोगों का पड़ा हुआ है अपना, तो अब सारी चीज़ें 3 को, 3 अगस्त को इस पर जो डिटेल से होगा, सारे चीज़ों पर सुनवाई होगी और माननीय जिला कोर्ट इसको डिस्पोजल करेगा। देखिए, आज सभी मुकदमे सुनवाई थी, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन से लेकर के जो 8-9 सारे मुकदमे क्लब कर लिए गए थे, सभी सुनवाई थी। सबसे पहले सुनवाई टेकअप किया गया, जो बहस पहले हो चुकी थी, पार्ट बहस आज हुआ। किरण सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जो ट्रांसफ़र प्रार्थना पत्र अलाउ हुआ है वह गलत हुआ है, इसको अपास्त करते हुए पत्रावली पुनः वापस भेजी जाए, क्योंकि जिला कोर्ट में इसका रिविजन सुना जाएगा अथवा मूल पत्रावली सुनी जाएगी। इस पर लगातार उभय पक्ष भी अपना कहा, निमन इंतजामिया ने भी इसका विरोध किया। हमने एक लाइन में उसको बताया आपत्ति में कि यह 17 अप्रैल 2023 की आदेश है, यदि आदेश से किसी कारण क्षुब्ध थे इनको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। अब न्यायालय का हाईकोर्ट ट्रायल सुने या रिविजन सुने, आपको सुनाना काम है और न कि आप न्यायालय के कार्य हस्तक्षेप कर सकते हैं। दूसरी एक प्रार्थना पत्र था राकेश सिंह द्वारा कि पुनः सर्वे कराई जाए, कुछ तहखाने बच गए हैं SI द्वारा, उस पर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को कापी नहीं दी गई थी उनके अधिवक्ता को, उसका कापी रिसीव कराने के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिया। एक मेरा प्रार्थना पत्र था जो राम प्रसाद सिंह द्वारा दिया गया था, जो वादी मुकदमा भी है इसी, उनके द्वारा दिया गया था कि जो ब्यास जी के तहखाने में पूजा प्रारंभ हो गई है, उसके छत जर्जर हैं और अभी भी टुकड़े गिरते हैं छत से, कभी कैजुअल्टी हो सकती है और अंजुमन इंतजामिया के लोग उस छत पर अनायास बिना मतलब के इकट्ठा हो जा रहे हैं, जिससे और उस पर लोड पड़ सकता है और फिर नीचे पूजा हो रहा है तो उनका ऊपर खड़ा होने कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उनको खड़ा होने से मना किया जाए, छत मरम्मत का आदेश दिया जाए। इस पर अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मैं आपत्ति दाखिल कर दिया हूँ, मुझे कापी नहीं रिसीव करा है, कापी मुझे मंडे को देने के लिए न्यायालय में बोले हैं, मंडे को दे देंगे। सही मुकदमे की सुनवाई 3 अगस्त 2024 को होगी। तहखाने के अंदर तहखाना बताया जा रहा है, अब उस पर तहखाने तो बाकी जो ओपन था उसमें साधारण सर में भी हो गया था, अब SI सर में भी हो गया था, उसके नीचे भी कुछ है तो उसके नीचे बताया।